जो प्रोटेस्ट है चल रहा है, विवादित चीजें भी हो रही हैं। क्या है ये नेक्स्ट एग्जाम, आखिर इतना क्यों सुर्खियों में है? आप प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की करवा रहे हैं और आगे जाके ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी तो प्रेशर है बच्चों पे कि उस तरीके से फिर आप प्रिपेयर भी करवाइए। नेक्स्ट एग्जाम कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए पास नहीं कर पाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? 5 साल बर्बाद, उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था सब बर्बाद। उनको हमने एक नॉक करके दरवाजे पे जाके नॉक किया कि भैया जागो, हम लोग भी हैं कहीं भी। ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट होने की वो है क्या? तक भैया हमारा हक हमें नहीं दोगे तब तक नहीं लेंगे। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको आयुष स्टूडेंट्स ने पूरा संगठित होकर अच्छे से उसको किया। प्रोटेस्ट को दिल्ली जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स एकत्रित हुए थे और बच्चे परेशान थे बहुत ज़्यादा, और प्रोटेस्ट का जो निष्कर्ष था वो बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं बच्चों को, उसका कंक्लूजन कुछ बहुत ज़्यादा निकला नहीं। एक बार फिर से कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं। जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आयुष स्टूडेंट्स से कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि आपका हक क्या है, प्रोटेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं और अपनी लड़ाई आपको क्यों लड़नी है। हमारे साथ में कुछ स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा बताइए आपके बारे में, किस कॉलेज से हैं, नाम क्या है? मेरा नाम स्वर्णिका ठाकुर है, 2022 बैच। विनम्र सिंह, 2021 बैच से हैं। तो मेन जो हमारा मुद्दा है जिस वजह से आपको बुलाया भी गया है और जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसको लेकर ये इतना जो प्रोटेस्ट है चल रहा है, विवादित चीज़ें भी हो रही हैं। और क्या है ये नेक्स्ट एग्ज़ाम, आखिर इतना क्यों सुर्खियों में है? नेक्स्ट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो डिग्री एग्जिट करने के लिए, मतलब हमें कि आयुष के किसी भी स्टूडेंट को अगर अपनी डिग्री एग्जिट करनी है तो आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आयुष में सिर्फ आयुर्वेदा नहीं आता, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS ये सारे कोर्स आते हैं। और मतलब आयुष छात्र के लिए आपको कहने का मतलब है कि एक जैसे ही वो बच्चे एग्जाम अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर हम इसके जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा गैजेट जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम है और जो ये नेक्स्ट एग्जाम है वो एक कॉमन एग्जाम है। अच्छा, थर्ड प्रोफ का जो एग्जाम है और नेक्स्ट एग्जाम होगा, वो डायरेक्ट नेक्स्ट एग्जाम होगा, ऐसा गैजेट में लिखा हुआ है। लेकिन इस चीज को बहुत घुमा फिरा कि अभी तक बच्चों को इस बारे में पता भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि सबने गैजेट पढ़ा नहीं। अच्छा, अगर नेक्स्ट एग्जाम कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए पास नहीं कर पाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? दोबारा दीजिएगा। नहीं, मान लीजिए 5 बार वो, मतलब हम मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि वो 5 साल पढ़ाई करके आया है और वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं पास कर पाता, क्या होगा? जैसे कि उन्होंने सिर्फ NCH जो है आपका नेशनल होम्योपैथिक वाला, उन्होंने उस पर बाउंडेशन लगाया हुआ है, उनकी लिमिटेशंस हैं, बाकी NCHM वालों ने कोई लिमिटेशंस नहीं जारी किए हैं अभी तक। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 अटेम्प्ट हो गए हैं बच्चा नहीं पास कर पा रहा है तो उसका क्या रिजल्ट है? 5.5 साल बर्बाद, उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था सब बर्बाद, उसके पास डिग्री तो रही। मगर वो नहीं निकाल पाता है तो, अगर वो नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो उसको दिक्कत ही है। और उसमें एक ये प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि बच्चे हैं घर से फाइनेंशियली वीक होते हैं जो भी, तो क्या है कि नेक्स्ट के लिए पढ़ाई भी, मतलब जो नेक्स्ट निकालेंगे उसके लिए भी फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर उनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या होंगे, डिप्रेशन चले जाएंगे, कि भाई 4 बार दिया, 5 बार दिया, 6 बार दिया, 10 बार दिया। मतलब सिंपल सा ये है कि जो इसको पास नहीं कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। 5.5 साल बर्बाद हो सकता है कि फैमिली प्रेशर भी आ जाए, घर वालों को प्रेशर आता है कि एज हो जाती है बच्चे की, वहां तक पहुंचते उसमें एक टॉन्ट भी आएगा ना फैमिली वालों का, रिलेशन वालों का, सब जितने भी हैं कि आपने पढ़ा क्या था जो आप नेक्स्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सब करके भी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी बाद में। क्या इसके कुछ बेनिफिट भी हैं? हाँ, बेनिफिट है कि वो बेनिफिट गवर्नमेंट बता रही है बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट गवर्नमेंट हमको दे तब तो बेनिफिट है ना। बात ये है कि जैसे अभी तक वो हमको AMO बनाते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम वो लगा रहे हैं तो वो शायद वो कहीं ना कहीं सोच रहे हों कि हमको CMO बनाए, शायद वो सोच रहे हों। अभी हम क्लियर ना, गवर्नमेंट ने ना क्लियर किया है ना हम क्लियर बोल सकते हैं कि हो सकता है हमें आगे चल के CMO बना दें, या हो सकता है हमको गवर्नमेंट पोस्ट भी देना चाहें।
इस वजह से। तो ये प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं ये कब से लागू हुआ है और आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट अभी 22 अक्टूबर को किया है प्रोटेस्ट, जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था अक्टूबर को किया है, और 22 अक्टूबर में प्रोटेस्ट में मंत्री जी के आवास पर भी हम लोग लेटर दे करके आए हैं, ज्ञापन हुआ है, उसके बाद मिनिस्ट्री में भी गया है और पीएमओ ऑफिस भी गए हैं। मुख्य कारण प्रोटेस्ट करने का लाइक मतलब बच्चे क्यों परेशान है, अगर कुछ एग्जाम के बेनिफिट्स हैं लेकिन बच्चे क्यों परेशान है? ये 2021 फैक्टर एक ये है कि हम जो भी 4.5-4.5 साल थ्योरी बेसिस तो 4.5 ही होता है, तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा सब्जेक्टिव बेस है और हमारा पेपर होगा ऑब्जेक्टिव प्लस नेगेटिव मार्किंग। आप प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की करवा रहे हैं और आगे जाके ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी तो प्रेशर है बच्चों पे कि उस तरीके से फिर आप प्रिपेयर भी करवाइए। कुछ ऐसी बात भी सुनने में आई थी कि 24 में लागू कर रहे हैं तो 21-22 क्यों दें? ये था कि हाँ, ये ऐसा था कि 2018 में एक गजट आता है, मतलब नोटिस आता है कि हम एक परीक्षा लाएंगे जो पात्रता परीक्षा के नाम से जानी जाएगी, शुद्ध हिंदी में पात्रता परीक्षा, उसको ही हम नेक्स्ट एग्जाम या एग्जिट एग्जाम बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला आगामी 3 साल में लागू करेंगे, गजट उनका 2018 में बोला था, 20 में उन्होंने लागू कर दिया, गजट ला दिया उन्होंने। लेकिन उनके जो नोटिस पब्लिक हो रहे हैं और उन्होंने ये कहीं मेंशन नहीं किया था कि आगामी 3 साल से लागू करेंगे, वहां पे किसी भी ईयर का भी नाम मेंशन नहीं था कि हम 2021 से करेंगे, 22 से करेंगे, 23 से करेंगे या 2018 से ही करेंगे, आगामी 3 साल की बात उन्होंने करी थी। तो वहाँ पे जो NCISM और फिर उन्होंने क्या था, पहले CCISM चलता था जिसमें सारे चीज़ें आ जाती थी एक साथ, फिर उन्होंने दो बनाया, उन्होंने ब्रांच बना दिए NCISM और NCH। अब NCISM के अंतर्गत सब कुछ है, NCH के अंतर्गत सिर्फ होम्योपैथ डाल दिया उन्होंने, होम्योपैथ का डाला है फाउंडेशन में कि आपको लिमिटेशन दे दी है अटेम्प्ट के लिए, NCISM के अंदर के जितने भी हैं डिग्रियाँ हैं उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। तो वहाँ पर पॉइंट ये फंस रहा है कि जो NCISM के द्वारा गाइडलाइन आई है, मतलब जो उनका नोटिस जो आया है पब्लिक हुआ है, गजट सबका 2020 में आ गया है कि हमने लागू कर दिया है, लेकिन क्या है कि जो उनकी नोटिस पब्लिक करी गई, नोटिस पब्लिक NCISM ने करी है 2024 में कि किस बैच से होगा। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने 2018 बैच लगाया है कि 3 साल, जब भी हम ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके 3 साल के अंदर अंदर ये लागू हो जाएगा, उसमें ये ना कोई बैच मेंशन था ना कोई डेट मेंशन था मेंशन, और ना ही उन्होंने जो बोला था जब मतलब जब आपने लागू करने की बात की, लागू करने वाला बात ये था कि उन्होंने बोला था नवंबर 2023 से पहले जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है वो इस परीक्षा से बाहर रहेंगे, जिनकी नवंबर 2023 से तक इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाई है, भले वो चाहे 15 बैच के हों, चाहे 16 के हों, चाहे 17 के हों, चाहे 18 के हों, उन पे सब पे नेक्स्ट एक ही बैच के दो बच्चे भी अलग अलग कैटेगरी में चले गए, जिनका बैक लग गई वो भी आ जाएंगे इसमें साथ में, तो वो उन्होंने सब पे लगा दिया था। अरे सीनियर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उनकी बात मान ली गई थी, अभी उनकी बात आश्वासन से, अच्छा आश्वासन पे टिकी हुई है, लिखित में नहीं मिला है। लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो पब्लिक नोटिस किया है वो 2024 में किया है NCISM वालों ने, और 2024 में किया है तो हम लोग डिमांड करें 2024 से लगाएं आयुर्वेदा वगैरह में, और जो होम्योपैथ का है इसलिए उसमें हम एक डिमांड और कर रहे हैं कि उनकी जो नोटिस पब्लिक हुई है वो 2023 में हुई है, जब उनकी नोटिस पब्लिक हुई है उससे पहले 2023 वाले एडमिशन ले चुके थे। मतलब ये मैंने भी पढ़ा था, एक फॉर्मेट इन्होंने दिया था, उस आया था नोटिफिकेशन, उसमें ये एग्जाम पैटर्न कैसा होगा ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो अगर 21-22 बैच है, 22-23 बैच है, 23-24 बैच है, जब वो एडमिशन ले रहे थे उस समय अगर वो फॉर्मेट देते तो शायद वो बच्चे उसी तरह से अपनी पढ़ाई करते और शायद वो बच्चे फिर एडमिशन ना लेके किसी और कोर्स में नहीं देना था उनको नेक्स्ट एग्जाम, उनको नहीं पता था ना ही फॉर्मेट था। अब जब वो तीसरे साल में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, सेकंड प्रूफ पास कर लिया, अब कह रहे हैं कि आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, तो इस वजह से बच्चों पे कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए उसने उस हिसाब से वो चल रहा था कि 3 साल तक, अरे नहीं हमें नॉर्मली डिग्री मिलेगी 5.5 साल बाद, हमें PG देना है बस, उसकी वो फिर बाद में तैयारी करता, अभी एकदम से एक प्रेशर आया कि अब आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक इसे पास नहीं करोगे, पास करेंगे तो कितना लेवल ऑफ मेंटल प्रेशर होगा कि भैया हमने तो मौज में निकाल दी अपने इतने साल और अब ये एक एग्जाम हमारे सर पे आके खड़ा हो गया, देना पड़ेगा। 22 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, दूर दूर से लोग आए थे, असल में मैं था नहीं वरना मैं भी जरूर ज्वाइन करता, नेक्स्ट प्रोटेस्ट में हम भी रहेंगे और सबसे अपील करते हैं कि सभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो वो प्रोटेस्ट कैसा रहा था? प्रोटेस्ट
ठीक रहा, लेकिन इतना भी ठीक नहीं रहा कि नेक्स्ट कैंसिल हो जाए। तभी दूसरे प्रोटेस्ट की बात आ रही है। वहाँ से हम लोग, मैं, विनम्र जी और दो चार लोग और मंत्री जी के आवास पे गए थे। वहाँ लेटर पकड़ाया, लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, लेटर दिया मंत्री जी को आपने? उनके पीए को दिया था जो आवास पे थे। अच्छा। मंत्री जी खुद अवेलेबल नहीं थे। तो उसके बाद वहाँ से कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया। फिर 29 तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई मंत्री जी के आवास पे ही। उस दिन उन्होंने लेटर लिया, उन्होंने कुछ मतलब रिस्पांस ऐसा बेसिकली कुछ आया नहीं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव में बिजी हैं, बाद में वो बताएंगे, और लेटर लिया हमारा। अभी तक कोई निष्कर्ष इसका निकला? निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने एक बात बोली है कि उनके जो ऑफिशियल कमीशन है मिनिस्ट्री वाला, उसमें वो लेटर वो दे चुके हैं और उसमें बात करेंगे तब बताएंगे, लेकिन इतने दिन से कुछ नहीं हुआ अभी। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप फिर क्या जो है करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब तक कि हमने जो 22 तारीख का हमारा प्रोटेस्ट था वो हमने अपना सफल किया। हमारा सफल करने का मेन मोटो यही था कि हमारी बातें, जो हमारी मांग थी, वो कहीं पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसको हमने पहुंचाने का काम किया, जो हमारा मेन मोटो था। मतलब जो हमारी चीजों को लेकर के मंत्रालय जो सो रहे थे उनको हमने एक नॉक करके, दरवाजे पे जाके नॉक किया कि भैया जागो, हम लोग भी हैं, कहीं भी हम लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 21 से 23 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको हमने जगाने का काम किया। फिर मेमोरेंडम किया मंत्री जी के, मंत्री जी जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन मंत्री जी का खुद ही फोन था। उन्होंने बोला कि आवास पे जा करके हमें एक ज्ञापन दे के आइए, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनको एक वहाँ पे दिया गया, मेमोरेंडम किया गया। उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग मंत्रालय गए हैं, आयुष मंत्रालय, जिसका हमारे पास ये जो है सामने आयुष मंत्रालय का ये रहा। फिर हम लोग सेम डे, ये क्या है ये चीज़, ये मेमोरेंडम है। मतलब यहाँ दो रिसीविंग जाती है, एक वहाँ दी जाती है और एक वहाँ से प्राप्त की जाती है। मतलब हमने उनको ये सूचना दी है, और ये हमारा एक वहाँ का है प्रधानमंत्री ऑफिस का है। अच्छा, ये आप सब चीज़ें दिखा रहे हैं, मैं बीच में रोक के एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, या कर्नाटका केरल से आ रहा है, दूर से आ रहा है, प्रोटेस्ट दिल्ली में है, मंत्रालय दिल्ली से ऑपरेट होता है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट होगा जहाँ तक भी मुझे जितनी भी जानकारी है, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन या हम कहेंगे कि जिम्मेदारी कौन लेगा कि भाई हाँ ये आप संभाल लेंगे इस चीज़ को? क्या आप लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अभी तो पिछली बार भी ली थी। अभी क्या है कि हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि अभी तो नंबर प्रोवाइड हम अपना ही कर देते हैं, आगे चल के जिस हिसाब से हमें आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम 5-6 लोगों को और भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें काम में, कि आप लोग भी जिम्मेदारी ले लीजिएगा। बच्चे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी हम जो जब इतना काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय गए मिलने। अच्छा, आपने ये वहाँ जाके दिए बाई पोस्ट? नहीं, मैं वहाँ जा करके गया हूँ, बाई पोस्ट कुछ भी नहीं गया है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का हुआ, आयुष मिनिस्ट्री का हुआ, या राज्यसभा सांसद जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है नरेश बंसल जी, जो भी चुनाव अधिकारी बनाए गए थे उनको दिया है। तो ऐसे रामगोपाल यादव जी का लेटर तो हमारे पास नहीं है समय, जो इसमें वेलफेयर ऑफिसर मंत्री हैं उनको सबको दिया। अब आप देख रहे हैं कि जाने आने में खर्चा और सब कुछ, मैं बिल्कुल सही बात है, छोटा सा बुके खरीदने में भी 500 रुपए चले जाते हैं। मंत्री से मिलने जा रहे हैं आप, तो इतना तो उनके लिए बनता भी है। उनके पास गया है आपका मनोज तिवारी जी, हो गए ऐसे करके कम से कम अब तक कम से कम। जिम्मेदारी आप लेंगे, आपका नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में प्रोवाइड कर दें कि कोई अगर जुड़ना चाह रहा है प्रोटेस्ट से, या बच्चे आना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आपसे बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जो अगला प्रोटेस्ट है वो कहाँ होने वाला है, कितने डेट को होने वाला है, और कितने लोग उसमें सम्मिलित होंगे? अगला प्रोटेस्ट जो है जो होने वाला है, तो वो हमारा 9 दिसंबर 2024 को होने वाला है। दिन है सोमवार का, और सुबह 10 से 1 का टाइमिंग है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे कि जैसा कि पिछली बार हमने नहीं कर पाए थे, इस बार हमें करना है। 10 से 1 सिर्फ ऑफिशियल टाइमिंग है। अच्छा, 10 से 1 सिर्फ ऑफिशियल टाइमिंग है। हमें यूपीएससी वाला सीन करना है यूपी का। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम वहां से नहीं उठेंगे, ये हमारा मेन एक मोटो होना चाहिए। सभी स्टूडेंट से यही आग्रह रहेगा कि आइए अपना हक पहचानिए।
सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि घर बैठ के सारा काम हो जाए तो वो कभी नहीं हो सकता। अभी यूपीएससी वालों ने किया ना प्रोटेस्ट इलाहाबाद में, टिके रह गए, डंडे भी चले थे कि जब तक भैया हमारा हक हमें नहीं दोगे तब तक नहीं हिलेंगे। इतना भाई उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उसका कि नहीं हटेंगे यहाँ से। इतना पावर आयुष स्टूडेंट को दिखाना चाहिए, नहीं तो क्या बच जाएगा? जब तक हम अपनी नहीं दिखाएंगे ना क्या वैल्यू है हमारी, तब तक कुछ नहीं है, हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। डंडे से बोलना चाहेंगे कि देखो कि अभी क्या है, प्रोटेस्ट हम लोग परमिशन लेके आए हैं प्रोटेस्ट की। बहुत से लोग यही चाह रहे हैं कि पहले मंत्री से मीटिंग हो जाती, मतलब हमने जो प्रोटेस्ट किया उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष क्या निकला, अगर उसी हिसाब से आप पुराना इतिहास देखें कि 1857 में जब विश्व युद्ध चालू हुआ था, जो हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसमें क्या होता कि आज हमने लड़ाई लड़ी, फिर हम 4-5 दिन रुकते कि भैया कल का निर्णय क्या निकला, हम पहले पूछते कि भैया हाँ कुछ हटा कि नहीं हटा, फिर अगला फिर 2 दिन बाद लड़ाई लड़ते, तो ऐसा तो नहीं हो रहा था भाई, लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारा 1857 से 1947 में जाके आज़ादी मिली है। वही चीज़ है, उसमें लोग अपने भी घायल होते हैं, उनके भी घायल होते हैं, कहीं ना कहीं बातें बढ़ती हैं। ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट होने की वो है क्या, जो इस तरह की बात चल रही है या किस तरह का प्रोटेस्ट है? हम उनको घायल करेंगे पर हम बातों से, अच्छा अपनी बात वहां तक बात वहां पहुंचा करके। और प्रोटेस्ट इसीलिए लिया है क्योंकि हमने 22 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया था, जो हमारे 22 नवंबर भी निकल चुका है। और रही बात मंत्री जी ने जो हमको आश्वासन दिया था कि इलेक्शन तक रुक जाइए, हम रुके हुए थे इलेक्शन तक, हमने उनको कोई भी फोन कॉल नहीं करा, रिजल्ट भी आ गया हमने कोई फोन कॉल नहीं करा। मंत्री जी बोल रहे थे कि हम कमेटी बिठाएंगे, तो हमें ये तो मान के चलना पड़ रहा है कि मंत्री जी इलेक्शन में बिजी थे ना कि कमेटी बिजी थी। हाँ मंत्रालय थोड़ी बिजी होगा पूरा, मंत्रालय का काम जो है देश को संभालने का है। हाँ, कमेटी बन सकती थी उनके आने से पहले और रिजल्ट आ सकते थे। और चीजें ये हैं कि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं फिर से सारे मंत्रालय सो गए हैं, एक बार फिर से हमको जगाना पड़ेगा, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपना बल छात्र संघ का बल हमें वहां एक बार दिखाना पड़ेगा। बातें तो काफी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमिशन मिल गया है सब कुछ, प्रोटेस्ट का परमिशन मिल गया है, अब परमिशन का लेटर भी साथ लेके घूम रहे हैं। और वेन्यू क्या रहेगा? वेन्यू जंतर मंतर, जंतर मंतर 10 से 1 आपने बताया है, और इनका कोई वो फिक्स नहीं है 10 कि जब तक मांग नहीं हमारी पूरी हो जाती भैया हम नहीं हटने वाले। इस बार हमको अपनी जिद को लेके अड़ना पड़ेगा, उसकी एक वजह भी है। हाँ यही मैं भी पूछने वाला था कि आखिर ये क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। 2021 बैच मोस्टली यूपी, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके फरवरी में एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएंगे, फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक से उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी सेकंड प्रोफ एग्जाम। और उसके साथ साथ 2023 बैच के बच्चों को भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी जो हमारा प्रोटेस्ट हो जाएगा 1-2 दिन वो देने के लिए तैयार हैं, अपना टाइम देने के लिए, लेकिन फिर अगर उनके पास उनको पढ़ाई भी करनी है भाई, अगर वो नेक्स्ट तो तब देंगे ना जब वो यूनिवर्सिटी पास हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी पास नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट तो सोच ही नहीं पाएंगे वो क्या करेंगे फिर? तो उनको तो ये भी देखना है, दोनों चीजें उनको देख के चलना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि प्रोटेस्ट हम रखते हैं मार्च में, गैजेट आ जाएगा तब। छोड़ो गैजेट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, गैजेट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी बदल जाता है, वो कभी बदल सकता है, लेकिन जो बच्चे अभी जगे हुए हैं, जिस जोश में इस समय बच्चे हैं, क्या मार्च में रहेंगे? एक महीने में तो इतना सो गए हैं, मार्च तक तो मुझे लगता है कुछ बचेगा ही नहीं। एक महीने में बच्चे स्टूडेंट्स में भी जागरूकता की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी जागरूकता को लेकर के मैं जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, 14 से 15 ग्रुप मेरे पास हैं जिनमें मैं ऐड हूँ, पर डे दोनों ग्रुप में 1-1 घंटे में, हर ग्रुप में 1-1 घंटे मीटिंग्स कर रहा हूँ, हर बच्चे से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, हर जगह के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि भाई साहब जग जाइए, 10 लोग ना ला सकते हैं तो आप अपने अकेले आइए, साथ में 2 लोगों को और लेके आइए, मतलब 3 दिन तो आ ही जाइए, लगे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रशासन जागे। बिल्कुल। अच्छा इसमें स्टूडेंट कोई संगठन भी है आयुष स्टूडेंट्स का, या एकत्रित होकर यूनिटी दिखाएंगे भी, कोई संगठन बनाएंगे कुछ ऐसा है? क्योंकि इस चीज पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सबका संगठन बनाने का हमने सोचा, लेकिन बच्चों के पॉइंट्स ये थे कि संगठन बना के क्या होगा। सबसे पहली बात, परमिशन ही हम लेने जाते हैं ना, वहाँ फॉर्म पे फिल करना होता है आप कौन से संगठन से हो,
तो तब हमारे पास कोई नाम नहीं रहता, वहाँ हम लिख के तो आ गए हैं छात्र संघ, इवन कहीं भी मीटिंग के लिए जाते हैं आप कौन से संगठन से हो, सबसे पहले यही बात आती है। तो संगठन बनाने के लिए जो बहुत जरूरी लग रहा है, एक पॉइंट ये है कि हमारी बातें, आयुष मिस्टर तो ठीक है क्योंकि वो हमारा नेता है, मैं उनकी बात को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि भाई हमारे वही नेता है, हमसे मिलना है। मैं अदर किसी भी अदर किसी भी पॉलिटिशियन के पास अगर मैं मदद मांगने जाता हूँ तो वो क्या चाहता है, गिव एंड टेक, मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा। अगर हम किसी चीज को आगे कर रहे हैं, मैं उसको आगे कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिशियन के आगे मैं जा रहा हूँ, उससे मैं ले रहा हूँ कोई भी चीजें, उसके सब उसका सपोर्ट ले रहा हूँ, तो वो ये बोलता है आपका संगठन कहाँ है, संगठन कौन सा है, संगठन की बात, संगठन की बात क्यों आती है ये भी मैं बता दूं। संगठन होगा तो एक यूनाइटेड होगा जिसमें यूनिटी होगी। वो पॉलिटिशियन या वो कैंडिडेट आज हमारे साथ खड़े होकर के आगे चल के एक महीने बाद, दो महीने बाद, एक साल बाद, पांच साल बाद, वो हमारे संगठन से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। वो ऐसा तो ऐसा भी होता, वो पॉलिटिशियन क्या सोच के हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय, ये भी सोच के कि आज मैं इनके साथ सपोर्ट कर दूंगा, मैं 10 दिन की टीआरपी ले लूंगा, उसके बाद जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो अपने साथ घर में बैठे होंगे, अपने घर में होंगे। और अभी बिना संगठन के एक विनम्र जी या किसी का भी नाम सामने आ रहा है, पर एक संगठन होगा ना तो वो इंसान बोलेगा इस संगठन का, कोई एक बंदा हाईलाइट। अक्सर अक्सर ऐसी सुना है मैंने कि भाई एक प्रोटेस्ट हुआ है ना, कोई संगठन नहीं था, और प्रोटेस्ट होने के बाद में मांगे तो हो गई, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे उनको उनका हक मिल गया, लेकिन जो छात्र नेता था उसके हिस्से में मुकदमे आए। हाँ जी, और एक और बात कि संगठन बना लेते हैं तो आज बस इसी पे नहीं, एक हमारा रीचेकिंग वाला मैटर चल रहा है यूनिवर्सिटी, तो एक आयुष के जितने स्टूडेंट है एक जगह हो जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत आती है ना, तो फिर वो संगठन देखेगा। आपके इस पॉइंट से सहमत है कि अगर अभी सब चीजें मिल जाएंगी और शांतिपूर्ण मिल जाएंगी तो उनके ना हिस्से सबके हिस्से पे है, केस लिखा जाएगा तो मेरे नाम पे लिखा जाएगा, छात्र नेता के हिस्से में मुकदमे जाएगा। अब रही बात अगर यहाँ पे संगठन होगा तो केस किस पे लिखा जाएगा, संगठन पे लिखा जाएगा। भैया 12 लोग थे, 1,00,000 लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, और फिर मुकदमा भी लिखा गया है, तो सब एक साथ जुड़ के ही उसका जो है मुकाबला करेंगे। क्योंकि एक चीज और भी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बहुत, मेरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महान, बहुत सब कुछ चीजें अच्छी हैं, देश को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली है, लेकिन कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं उसी चीज को, इस्तेमाल करके फंसा भी देते हैं किसी लोगों को, तो संगठन वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और संगठन रहेगा तो एक प्रोटेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, किसी एक के ऊपर कुछ चीज और भी है, मुझे लगता है कि अभी आयुष में कोई ऐसा इतना मजबूत संगठन नहीं है जो अपनी बात मनवा ले किसी से। एग्जैक्टली, और संगठन अगर बनता है तो उसका हम तुरंत परिणाम, तो जो भी है परिणाम वो हम अपने यूज में यूज कर सकते हैं प्रोटेस्ट में। लेकिन आगामी, मैं अभी वादा करके नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि आगामी 4 से 5 साल में उस संगठन में जुड़ने के लिए लोग आपसे मिलने आएंगे कि सर मुझे जुड़ना है, मुझे जुड़ना है, और उसकी इतनी पावर हो चुकी होगी। एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्या है कि अभी एक गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है राइट्स ऑफ आयुष प्रैक्टिशनर, और उसमें बोला हुआ है कि जो आपके सिलेबस में है आप वो सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा सा हम टॉपिक से अलग जा रहे हैं, लेकिन संगठन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आपके जो सिलेबस में सब कुछ आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, आयुष वाले सिलेबस में सेकंड प्रोफ में आप देखेंगे बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिनको ये सिर्फ ये जो नॉर्मल मेडिकल काउंसिल इंडिया का वो कहते हैं कि वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई संगठन ऐसा मजबूत है ही नहीं जो उसकी हमारी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट है ना, तो संगठन होना इसलिए भी जरूरी है। आज संगठन बनेगा 5 साल में इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी बात नहीं काट सकता। एक पॉइंट ये भी है कि अगर संगठन से अभी क्या मीटिंग होती है, मीटिंग्स के लिए हम 4 लोग पहुंच जाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम लोग इससे आए हुए हैं, लेकिन तब हम क्या बोलेंगे जब संगठन होगा, हमारे संगठन में इतने लोग हैं, हम यहाँ आए और हम अपने संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं संगठन की ये मांग है। संगठन की मांग का मतलब है 1,00,000 लोगों की मांग है। अगली बार चुनाव होगा तुमको दिखा देंगे, दिखा देंगे। ही अलग पड़ता है किसी पे प्रेशर, वो जाता है अरे भैया उस संगठन में। अभी जो पॉलिटिशियन है, जो भी मंत्री है, मिनिस्टर है, वो भी ये भी सोच रहे हैं कि अभी इनका कोई संगठन नहीं है, ये खुद संगठित नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है। एक एक जगह हो जाएंगे तो अगले चुनाव में 1,00,000 वोट तो फिर अगर नहीं बात मानेंगे तो गए।
तो वो भी एक प्रेशर पड़ता है। चलिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं तो उनको अच्छे से जो है लीड करिए, उनको गाइड करिए, ज़रूरत है हम भी इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं। अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ कहीं कोई बात है, उनको अगर कोई हक मिलना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर साथ में है। साथ ही में आपके कुछ और मीटिंग्स वगैरह हुए थे, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, 9 दिसंबर को फिर से प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अब इस जो 9 दिसंबर को प्रोटेस्ट हो रहा है, हालांकि ठंड उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी होगी तब तक, और दूर दूर से बच्चे आएंगे, तो आपकी अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आयुष स्टूडेंट्स, उनसे क्या अपील है, क्या मांग है? उनसे यही अपील है कि भैया इस बार आए तो कपड़े पर टाइट पहने, पहली बात तो ये है भाई, उनके उनका ठंडा पड़े तो हल्का पड़े, कपड़े भी टाइट पहने, ठंड भी रहेगी, ठंड रहेगी, एकदम मौसम बढ़िया, सर्द रहेगा यहाँ पे, दिल्ली की सर्दी वैसे भी हैवी होती है थोड़ा सा, दिल्ली की गर्मी भी हैवी है, सर्दी भी, दोनों हैवी, दोनों हैवी यहाँ का है। दिल्ली से बात मनवाना भी तो हैवी है, दिल्ली से बात मनवाना भी है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि दिल्ली अगर मुट्ठी में कर लिए तो पूरी इंडिया मुट्ठी में कर लेंगे, ये भी तो है, अगर एक बार जीत यहाँ हासिल कर लिए तो समझ लो सबकी फतेह है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि इस बार जो हमारी संख्या कम थी, जो मंत्रालय हमारे सारे सो रहे हैं, उन्हें हम जगाने का काम इस बार संख्या बढ़ा करके करें, और सब लोग अभी यूनाइटेड हो जाएं, साथ में जुड़ें, यूनिटी बनाएं, आए साथ में एक बार फिर बढ़िया से झटका लगाते हैं दिल्ली में, एक सबको जगाते हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ही रहेगा, मंत्री नहीं मिल रहे हैं अभी, बहुत से बच्चों का ये पॉइंट चल रहा है, मैं ये पॉइंट बीच में भूल गया बोलना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं अभी चाहते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला मीटिंग प्रोटेस्ट के बाद का। भाई निष्कर्ष निकला होता तो हम प्रोटेस्ट ना कर रहे होते, हमारा मेन कहने मतलब ये है, निष्कर्ष ना निकला होता तो निष्कर्ष निकला होता तो प्रोटेस्ट ना कर रहे होते, नहीं निकला है इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधा है कि नहीं निकला है तभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंत्रालय के कान पे जू रेंगनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, और बात तब पहुंचेगी जब हम अपनी यूनिटी पावर बच्चों की स्टूडेंट संगठन दिखाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण। हो सकता है कि मंत्री जी अभी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी एक पॉइंट का भी यहाँ खुलासा कर दे रहा हूँ कि मंत्री जी का कहना है कि आप लोग एक सिस्टम, वो आवास से बुलाए थे सिर्फ 2 लोगों को, तो उस जब हम लोग पूरा डिलीगेशन ले जाने की बात किए उनसे, तो उन्होंने बोला कि सब आप लोग डिलीगेशन के लिए मंत्रालय में आइए, एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा फॉर्मेट प्रोसीजर फॉलो करिए। अब प्रोसीजर फॉलो करिए तो एक वहाँ पे हमें एक चीज की शंका हो रही है कि प्रोटेस्ट की परमिशन लेने पे हमें वहाँ पे मेंशन करना होता है मेमोरेंडम किसको देना है, ज्ञापन किसको देना है, आयुष मंत्रालय। हो सकता है उनके पास खबर गई हो और वो चीजों को डिले कर रहे हों, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मंडे टू सैटरडे 1 सप्ताह का समय लगेगा, और अगर हमने 1 सप्ताह का समय दिया और बाई चांस हमें चीजें पॉजिटिव ना मिली वहां से, तो प्रोटेस्ट तो हमें तब भी करना पड़ेगा, फिर हम 2 से 3 दिन में अपनी सही तैयारियां कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें यही मान के चलना है कि प्रोटेस्ट हमारा मेडेंट्री है, प्राथमिकता हमारी प्रोटेस्ट पे रहेगी, दूसरा काम हमारा सेकेंडरी रहेगा, वो मंत्री से मीटिंग रहेगा। मीटिंग में अगर पॉजिटिव चीजें होती हैं तो प्रोटेस्ट चल सकता है। अगर मंत्री जी हमें मीटिंग में करने के बाद हैंड रिटन विद स्टैंप, जिसको हम माने कि हाँ हमारे सबूत के तौर पे प्रमाण है, मुझे लगेगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, या अब हमारे सारे साथी इसको देख के संतुष्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे, मैं प्रोटेस्ट ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा, या उस प्रोटेस्ट में बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं सुबह तो मैं उसी प्रोटेस्ट में मंत्री जी की जय जयकार लगवा दूंगा, हमारा ये काम एक बात मान ली रह जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट हमारा मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हम फिर 2 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एक इसको हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, अगर घर में कोई शादी वादी हो या छोटा बर्थडे पार्टी भी हो और आप 2 घंटे में तैयारी कर लो, कैसे पॉसिबल होता है, चीजें भगदड़ मचती है, फिर कोई चीज छूट जाती है इधर, कोई चीज इधर छूट जाती है, चीजें खड़बड़ हो जाती है। अगर इस बार भी नहीं सुनी गई बात, इस बार अगर बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, मेरा कहने का मतलब है नेगेटिव बात क्यों करें, आप इतनी संख्या ही ले आओ ना बच्चों की कि मजबूर हो जाए लोग, तो उसके लिए सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और हमारा ये कहने मतलब, जैसे लास्ट टाइम पैदल मार्च किया गया, मार्च वार्च आप ना करें, आप आके सिस्टमेटिक ढंग से वहां बैठ जाएं और बैठे रहें, उठने का नाम ना लें, चाहे लाठी चार्ज हो जाए, पानी फेंका जाए, चाहे कुछ भी करा जाए, आप वहीं बैठें, हम आपके साथ बैठेंगे जब तक हमें वहां से, हाँ बातें मनमानी है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा हमें यहाँ से नहीं उठना है। अच्छा, जैसे कि शुरू में भी बात हुई थी कि मैं सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ कि शुरू में हमने बताया था कि अगर नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं हुआ
तो प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा नहीं आपको मिलेगा। इस बात की गंभीरता को समझिए। नेक्स्ट एग्जाम बहुत अच्छी चीज़ है, हम मान लेते हैं, लेकिन जिस साल से लागू कर रहे हो 2024 से, उसी बैच से लागू करो। 21, 22, 23, 24 बैच क्यों इस एग्ज़ाम को दें जब उनके साल में आपने ये कुछ नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, कोई एग्ज़ाम का फॉर्मेट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो जिस साल में आपने इसका फॉर्मेट बताया है तभी से लागू करो। वो बच्चे ऑलरेडी अपने 3 साल पढ़ चुके हैं, उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से अपील है कि भाई ज्वाइन करो प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात ज़रूर मनवानी है, फिर चाहे हमें कितने ही भी प्रोटेस्ट करने पड़े, कितना दिन वहाँ रुकना पड़े। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं अभी। कोई आगे कोई इसमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उसका लिंक भी हमें दीजिएगा, आगे कोई जानकारी रहे कोई रेगुलरली शेयर करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट्स की हक की बात है वो सुनी जाए, माने सरकार उस बात को, और बच्चों का जो एक छोटी सी परेशानी है इसको सॉल्व कर दे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर भी। कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी स्टूडेंट्स के लिए, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।